तो आज के क्लास में हम बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के पेपर को सॉल्व करेंगे सेक्शन है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और ये सवाल गेट बी टी में पूछे गए थे सबसे पहले मैं आपको सारे सवाल प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप खुद से ट्राई कर सको फिर मेरे सोल्यूशनस को देखना विथ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स सबसे पहला सवाल आपके सामने सोल्यूशन ऑफ़ सिस्टम से वीडियो को पॉज कीजिए खुद से ट्राई कीजिए फिर जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है कैलकुलस से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन से नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक्स ऑफ प्रोबिलिटी से अच्छा सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक्स ऑफ वेक्टर कैलकुलस से अगेन मीडियम लेवल का सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट्स नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन और फाइनल क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल मेथड से एंड आई होप आपने सारे के सारे सवाल ट्राई कर लिए हैं क्योंकि अब सोल्यूशन की बारी ठीक है चलिए सबसे पहला सवाल वैल्यू ऑफ के फॉर विच लीनियर इक्वेश्स के माइनस वन इन टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू जीरो एंड टू एक्स प्लस के वाई इक्वल टू जीरो हैव अ नॉन जीरो सोल्यूशन इज डैश ए बी सी आर टी अगर आपको कंसेप्ट नहीं आते ना तो ये सॉल्व नहीं होगा और अगर कंसेप्ट आते हैं तो आप सीधा कह दोगे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट क्यू क्योंकि यहाँ पर जब मैंने सिस्टम को देखा तो ये मेरा एक होमोजीनियस सिस्टम है होमोजीनियस सिस्टम के अंदर दो ही सोल्यूशन है इन्फाइनइटली मैनी सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन अब जब वो कह रहे हैं नॉन ज़ीरो सोल्यूशन तो ये कौन सा सोल्यूशन हुआ यूनिक या इनफाइनाइटली मैनी तो ये हुआ हमारा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन जिसका एक और नाम भी है नॉन ट्रिबल सोल्यूशन ठीक है सो नॉन ट्रिबल सोल्यूशन इन्फानेटली मेनी सोल्यूशन नॉन जीरो सोल्यूशन सभी के सभी हमारा एक कैटेगरी है दूसरा कैटेगरी है यूनिक सोल्यूशन ट्रिबल सोल्यूशन जीरो सोल्यूशन याद रखना आगे काम आएगा नबर जैसे ही हमको पता चल गया कि इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन है तो आप सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं कह सकते हैं सबसे पहला स्टेप यहां पर इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन के वजह से डिटर्मिनेंट ऑफ द देशन मैट्रिक्स बन जाता है जीरो सो so, डिटर्मिनेंट ऑफ द देशन मैट्रिक्स हमारा है के माइनस वन इंटू यहाँ पर सॉरी नेक्स्ट है थ्री फिर है टू फिर है के इसका डिटर्मिनेट इक्वल टू जीरो कैसे से बना ये इक्वेशन से ही बना कंसेप्ट नहीं आते हैं तो कॉन्सेप्चुअल क्लास जरूर से देख लेना चलिए अब यहां पर करना है और माइनस वन माइनस माइनस जब हो तो फैक्टर्स के अंदर माइनस प्लस होता है ये मैंने ट्रिक्स आपको प्रोवाइड किए हैं ऐसे नंबर खोजिए मल्टीप्लाई करें तो माइनस सिक्स करें तो माइनस वन सर जी वो है माइनस थ्री प्लस टू मल्टीप्लाई किया तो माइनस सिक्स एड किया तो माइनस वन यस yes. तो अब रूट्स क्या आ गए के इज इक्वल टू थ्री कॉम माइनस टू डन एंड डस्टेड यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही बन जाता है क्योंकि के की वैल्यू पूछी जा रही थी अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर जी ये तो आपने एक स्टैंडर्ड तरीका यूज कर लिया क्या हम ऑप्शन से भी जा सकते थे हाँ जी आपके पास एक और मेथड है मेथड टू जो क्या है सब्सिट्यूशन टेक्निक से आप जा सकते हो ठीक है सो मेथड टू क्या है यहाँ पर सबस्टी टेक्निक अब देखो ये हमारे एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को देखो वैल्यू ऑफ के ऑप्शन वन टू थ्री फोर इनको देखो एक एक ऑप्शन को सब्सिटीट्यूट करो और आगे बढ़ो जैसे ऑप्शन ए में के को वन कहा गया है तो के को वन रखे तो एक्सप्रेशन कैसा बन रहा है वन माइनस वन इन एक्स या तो जीरो हो गया और यहाँ पर जीरो प्लस थ्री वाई इक्वल टू जीरो याने वाई इक्वल टू जीरो जो कि हमको चाहिए नहीं क्योंकि नॉन जरूर नॉन जीरो सोल्यूशन होना चाहिए ये तो ज़ीरो सोल्यूशन हो गया जी तो जीरो सोल्यूशन हो गया तो ऑप्शन ए जो है वो गलत बन गया आगे बढ़ते हैं ऑप्शन बी की तरफ के को टू कह रहे के को टू रखने पर क्या आ रहा है एक्सप्रेशन हमारा मॉडिफाई हो जाता है एज एक्स प्लस थ्री वाई दैट इज इक्वल टू जीरो एंड टू एक्स प्लस के की जगह टू रखना है तो ये आ गया यानी ये है x प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो और ये है x प्लस थ्री वाई इक्वल टू जीरो साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो ये यूनिक सोल्यूशन वाला सिनेरियो है जिसको हम जीरो सोल्यूशन भी कहते हैं सो यूनिक सोल्यूशन चाहिए नहीं ये भी गलत हो गया ऑप्शन सी को देखो ठीक है ऑप्शन सी कहता है के को थ्री रखो तो थ्री रखने पर टू एक्स प्लस थ्री वाई दैट इज इक्वल टू जीरो एंड टू एक्स प्लस के की जगह थ्री आ गया तो अब ये देखो दोनों एक्सप्रेशन सेम है जब दोनों एक्सप्रेशन सेम है यानी ये है इन्फाइनिटली मैनी सोल्यूशन वाला केस और यही तो चाहिए ऑप्शन बी गलत ए गलत हमको सी चाहिए सी मिल गया डी को भी अगर आप चेक करो तो डी से क्या प्राप्त होता है के की जगह फोर रखने पर थ्री एक्स प्लस थ्री वाई दैट इज इक्वल टू जीरो एंड टू एक्स प्लस फोर वाई दैट इज इक्वल टू जीरो सो बेसिकली एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो ये तो यूनिक सोल्यूशन वाला केस है यूनिक सोल्यूशन यानी जीरो सोल्यूशन डन तो ऐसे भी आप जा सकते थे आपके ऊपर है ये वाला थोड़ा सा इजी है ये वाला क्या है स्मार्ट अप्रोच तो है बट वो फिर उतना फास्ट कैलकुलेशन माइंड में आना चाहिए तब जा कर आप ऑप्शन सी को जल्दी से मार्क कर सकते हो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं। दी वैल्यू ऑफ़ तो ये इजी है अगर आपको सिंपल सी बात समझ में आ गई कौन सी सिंपल सी बात के एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर हमसे आंसर मांगा जा रहा था तो पाई बाई फोर पर साइन एक्स और एक्स सेम है है ना साइन एक्स और कॉज एक्स सेम है और उनकी वैल्यू क्या है साइन फोर्टी फाइव डिग्री इज इक्वल टू तो कॉस फोर्टी फाइव डिग्री इज इक्वल टू तो वन बाई रूट टू अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर अब ये साइन एक्स कॉस स्क्वेयर साइन क्यूब का लोचा जो है वो हट जाएगा और हमारा जो एक्सप्रेशन है अब वो मॉडिफाई हो जाएगा और बन जाएगा वन प्लस सभी को मैं साइन के फॉर्म में कहना चाहता हूँ सो साइन एक्स साइन स्क्वेयर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस डॉट 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 ये कहानी चलती रहेगी ठीक है अगर अब मैं एक्स की जगह पाई बाई फोर रखूँ तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा वन प्लस साइन फोर्टी फाइव डिग्री इज वन बाई रूट टू साइन फोर्टी फाइव डिग्री का स्क्वायर इज वन बाई टू प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ ये कहानी चलेगी अब कुछ स्टूडेंट्स इसके आगे सेग्रीगेट करके सॉल्व करेंगे और मुझको मजा नहीं आता सेग्रीगेट करके सॉल्व करने में बेटर मैं ये कहूँगा यही सीरीज इस वाले पॉइंट पर एक इनफाइनाइट जीपी सीरीज बन जाती है और इनफाइनाइट जीपी सीरीज बनने के कारण आंसर क्या है ए बाई वन माइनस आर ए हमारा फर्स्ट टर्म वन माइनस आर रेशियो हमारा साइन एक्स अब देखो अब आपको कहना है एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर पर आंसर सो वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन रूट टू जो बन रहा है रूट टू बाई रूट टू माइनस वन तो ये जल्दी से आ गया ना यही तो मैं आपको बता रहा था दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी समझ मारिए बात चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी आपके सामने

प्लस माइनस वन इंटू वाई दैट इज इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स जस्ट मैंने रीअरेंज किया है ताकि मैं कह सकूँ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई दैट इज इक्वल टू क्यू और पी की वैल्यू माइनस वन क्यू की वैल्यू ई का पावर माइनस एक्स अब आगे बढ़ सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकाल सकते हैं विच इज ई का पावर इंटीग्रल पी डी एक्स विच इज ई का पावर इंटीग्रल माइनस डी एक्स विच इज ई का पावर माइनस एक्स चलिए अब आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहता है दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई का पावर माइनस एक्स यहाँ पर ई का पावर माइनस एक्स क्यू भी हमारा ई का पावर माइनस एक्स है अब इसको सॉल्व करेंगे तब आगे जाकर के जनरल सोल्यूशन मिलेगा ठीक है तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है क्योंकि ई e का

देखो ध्यान से एट x इज इक्वल टू ज़ीरो वाई इज़ माइनस हाफ़ इसकी मदद से हम ये कह सकते हैं y है माइनस हाफ़ x है ज़ीरो और अगर ऐसी बात है तो ये माइनस हाफ़ ये माइनस हाफ़ हो जाता है कैंसल और c बन जाता है जीरो तो यहाँ पर c हो गया जीरो अगर c हो गया जीरो देर फॉर माई फाइनल सोल्यूशन इज वाई इज इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई माइनस टू ये मेरा फाइनल सोल्यूशन है और अगर यहाँ पर जा करके देखें तो ऑप्शन c इज एप्स्यूटली करेक्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं अगला सवाल मस्त सवाल है दी सिक्स फेसिस ऑफ अ क्यूब डाई आर नंबर्ड एज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड इट इज रोल्ड वंस एंड आउटकम इज ऑब्जर्वड नंबर ऑन द टॉप फेस ठीक है इफ़ द प्रोबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एज एन आउटकम इज ट्वाइस दैट ऑफ एन ईवन नंबर द प्रोबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन थ्री इज वॉट बहुत ही अच्छा सवाल है अगर आपने इसको सुलझाया है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ऐसा क्यों तो चलिए देखते हैं सबसे पहले तो ये एक डाई की ही बात कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और हमको क्या चाहिए हमको चाहिए प्रोबिलिटी दैट द नंबर इज लेस देन थ्री यानी वन आ सकता है या टू आ सकता है सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर एज़ वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर एज़ टू अब ये कैसे निकाले ये निकालने के लिए ही बड़ी मशक्कत है देखो ध्यान से उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दी ऑड नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ईवन नंबर राइट अब आपको बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पता ही है कि डाई के अंदर ऑड या इवन दो ही आता है सो प्रोबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड प्लस प्रोबिलिटी ऑफ गेटिंग ईवन इज इक्वल टू वन क्योंकि सैम्पल स्पेस बन जाता है ऑड प्लस ईवन यानी पूरा सैम्पल स्पेस तो उसकी प्रोबिलिटी वन होनी चाहिए राइट right? अब ऊपर वाले एक्सप्रेशन को इसमें सब्सिट्यूट करते हुए हम कह सकते हैं देर फोर प्रोबिलिटी ऑफ ऑड को हम कह देंगे इस प्रकार से विच इज़ टू टाइम्स प्रोबिलिटी ऑफ ई वन ठीक है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन दैट इज इक्वल टू वन बेसिकली हमने क्या किया है इसी एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करके यहाँ पर लिखा है कैसे वो पी ऑफ ओ को ऐसे कह दिया है टू टाइम्स पी ऑफ ई चल तो अगर ये बात है तो फिर आगे जा कर के इसको सिंप्लीफाई करते हुए हम कह सकते हैं देर फोर पी ऑफ ई इज़ इक्वल टू वन बाई थ्री अगर पी ऑफ ई वन बाई थ्री है तो फिर पी ऑफ ओ कितना होगा सर जी पी ऑफ ओ हो जाएगा टू बाई थ्री ये बात क्लियर हो गई प्रोबिलिटी ऑफ गेटिंग ई वन इज़ वन बाई थ्री प्रोबिलिटी ऑफ गटिंग ऑड इज़ टू बाई थ्री बहुत सारे जा करके जाकर कर, कर देते हैं। कि सर जी वो वन तो ऑड है ऑड आने का चांस टू बाई थ्री टू तो ई वन है ई वन आने का चांस वन बाई थ्री एड कर दिया तो आंसर आ गया वन और सर जी वन तो हमारे यहाँ पर है ही नहीं क्योंकि आप कर रहे थे गलत आप कर रहे थे गलत अब ध्यान से देखना ये प्रोबिलिटी ऑफ और इज इक्वल टू टू बाई थ्री का मतलब होता क्या है यहाँ पर जा करके मैं आपको समझाता हूँ यही तो मस्त स्टेप है दैट प्रोबिलिटी ऑफ ऑर इज इक्वल टू टू बाई थ्री इसका मतलब ये है कि वन थ्री फाइव ये और नंबर्स है इसलिए प्रोबिलिटी ऑफ वन प्लस प्रोबिलिटी ऑफ थ्री प्लस प्रोबिलिटी ऑफ फाइव मिल करके ये टू बाई थ्री है और क्योंकि यहाँ पर वन थ्री फाइव का इक्वल चांस है आने का तो हम क्या कहेंगे सिंस पी ऑफ वन इज इक्वल टू पी ऑफ थ्री इज ईक्वल टू पी ऑफ फाइव तो उसको हम एक्स मान लेते हैं और अगर हमने ऐसा किया तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन अब हो, हो जाएगा एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू टू बाई थ्री विच मीन्स थ्री एक्स इज इक्वल टू टू बाई थ्री यानि एक्स इज इक्वल टू टू बाई नाइन यानि प्रोबिलिटी ऑफ गेटिंग वन इज इक्वल टू टू बाई नाइन ये समझ में आया क्योंकि x किसके बराबर है x पी ऑफ वन पी ऑफ थ्री पी ऑफ फाइव के बराबर है सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन आने का चांस क्या है टू बाय नाइन तो यहाँ से हमको समझ में आ गया इसका टू बाय नाइन है सिमिलरली आपको पी ऑफ टू निकालना है कैसे निकालोगे ये ई वन की कहानी आगे नरेट करते हुए निकालना है तो चलिए कटपेस्ट का बिजनेस हम कर लेते हैं ठीक है और ई की कहानी पर नरेशन करते हैं अब फोर्थ स्टेप हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन आने का चांस कितना था जनाब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन आने का चांस था वन बाई थ्री और इवन का मतलब टू प्लस फोर प्लस सिक्स इसका आने का चांस वन बाई थ्री अब आप कैलकुलेशन uh, तो जान चुके हो तो सीधा यहाँ पर कह दो ये पी ऑफ टू ये पी ऑफ टू है ना सब सेम ही है सो थ्राइस पी ऑफ टू इज इक्वल टू वन बाई थ्री यानी पी ऑफ टू आने का चांस वन बाई नाइन था समझ में आ गया अगर समझ में आ गया तो यहाँ पर आंसर जो है वो था पी ऑफ वन प्लस पी ऑफ टू पी ऑफ वन हमारा टू बाई नाइन और P ऑफ टू हमारा वन बाई नाइन सो बेसिकली थ्री बाई नाइन विच इज़ वन बाई थ्री डन एंड डस्टेड दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी तो ये वाला ईजी था समझना ये वाला तो गिवन था ये वाला आपको पता होना चाहिए बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ताकि ये चीज़ आ जाए फिर उसके बाद ये एक डी कोड वाला स्टेप पता होना चाहिए और अगर ये समझ में आ गया तो इसको आप फास्ट कर सकते हो ऐसे, ठीक है ये स्टेप बाय स्टेप समझना